हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशी तेजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आइए आज करेंगे हम बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर टू डिटरमिनेंट्स। ओके, तो आइए करते हैं चैप्टर टू डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हमने चैप्टर वन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर वन कंप्लीट नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स नेम से। इस चैप्टर से पहले वो चैप्टर कर लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स का बेस इसमें यूज़ किया गया है। अगर आपको मैट्रिक्स का बेस नहीं आएगा तो इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पहले चैप्टर वन कीजिए कंप्लीट, देन इस पे आइए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखते हैं कि डिटरमिनेंट राइट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं। अगर हमें ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे इसको, ए डिटरमिनेंट। जैसे मॉडुलस करते हैं ना, मोड राइट करते हैं, वैसे वही साइन होता है डिटरमिनेंट का भी। ओके, अब मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम का कम्बिनेशन। ठीक है, कैसे, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ रो है, ठीक है, इनसाइड को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, रो और कॉलम का कम्बिनेशन। डिटरमिनेंट कैसे राइट करते हैं हम, एक डिटरमिनेंट या फिर डी टी ए। ओके, अब डिटरमिनेंट हम किस किस का फाइंड आउट कर सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का या फिर 3x3 मैट्रिक्स का, मींस नंबर ऑफ रो और कॉलम उसमें सेम होनी चाहिए, देन यू कैन फाइंड डिटरमिनेंट। ओके, आइए इसकी कंसेप्ट समझते हैं कि डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर कौन कौन से करेंगे। ठीक है, फर्स्टली है डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मींस वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2, रो भी 2 होंगी और कॉलम भी 2। जैसे ये शो कर रखा है, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मींस रो भी 2 है और जो कॉलम है वो भी 2 है। तो जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आइए देखते हैं फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे 3 का भी, A31, A32, A33। अब समझते ये है क्या, ये है रो, ये क्या कॉलम, ये तो हमें पता है ना। अब ये क्या है, A11, A12, जो भी इसमें नंबर लिखे हुए हैं उसका फर्स्ट जो है वो रो के लिए है। A11 मींस फर्स्ट रो और सेकंड वन है, इसका मतलब फर्स्ट ही कॉलम। जो हमने A11 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट ही रो है, फर्स्ट ही कॉलम है। A12 मींस फर्स्ट रो, है ना, कॉलम क्या होता है, सेकंड, ऐसे ही है। ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ वाला है वो क्या है, रो, और यहाँ वाली कॉलम है। तो A12 का मतलब क्या बन गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकेंड कॉलम, 2-3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सारे हमें समझने हैं पहले तो कि क्या क्या होता है। ओके, अब ही समझते हैं। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, जो ये फर्स्ट वाला इस साइड होगा और यहाँ वाला, आपने इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, ऐसे इसकी और इसकी। ठीक है, कैसे करेंगे, A1 मल्टीप्लाई B2, देन माइनस का साइन आएगा बीच में हमेशा ही, A2 मल्टीप्लाई B1। ठीक है, A1 B2
माइनस ए टू बी वन, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। लाइक जैसे ए वन बी टू को आप बी टू ए वन भी लिख सकते हो, बी टू पहले लिख लिया ए वन बाद में। क्यों लिख सकते हैं बताती हूँ वो भी मैं आपको। लाइक हमने टू मल्टीप्लाई थ्री लिखना है, तो अगर थ्री मल्टीप्लाई टू लिखोगे राइट करोगे तभी आंसर तो सिक्स ही आएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कब हम फाइंड आउट करते हैं, जब हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है थ्री बाय थ्री, मीन्स हमारी जो रोज हैं वो भी थ्री हैं और कॉलम भी थ्री हैं। जैसे यहाँ शो कर रखा है फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आपने भाई फर्स्ट हम लिखनी है रो वन रो कॉलम वन, वो राइट डाउन किया, देन उसके सामने वाला रो और सामने वाला ही कॉलम एक बार छोड़ दो, बाकी सारा एक बार राइट कर लो। कर लिया हमने राइट, अगेन समझते हैं एक बारी क्या करना है। आपने पहले ए वन 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 को लेना है ना, ये ए वन वन है ये वाला, उसके सामने वाला आपने रो भी छोड़ दो एक बारी काट दो, उसके सामने वाला कॉलम भी छोड़ दो एक बारी काट दो, उसके बाकी जो आइटम बची ना उसको उठा के एक बार लिख लो ऐसे, किसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर। यहाँ तक हो गया, आगे समझते हैं। फिर आपने क्या लेना है ए वन टू, मतलब फर्स्ट रो की ही लेनी है आपने आइटम। अब इसका भी ऐसे, उसके सामने वाले जो रो हैं वो काट दो, कॉलम भी काट दो, जो बाकी आइटम बची जैसे ये राइट डाउन कर लो। कर लिया, नेक्स्ट करेंगे आगे हम इसी का ए वन थ्री का जो ये है, इसी के सामने वाला रो काट दो कॉलम भी काट दो एक बारी, जो बच गया वो एक बार राइट कर लो। कर लिया, अब करते हैं आगे सॉल्व। अब जो हमने ये लिया ए वन तो प्लस का लिखना है, जब बी वन लिखोगे हमेशा माइनस का ही होगा, वो बी वन लिखे देन आपने वो सारा लिखना है, देन सी वन जो आप यहाँ वाली आइटम लिखोगे वो आएगी आपकी प्लस में, ये आपका रूल है हमेशा आप यही यूज करोगे। देन हमें इसको सॉल्व करना है ए वन एज इज, फिर इसका हमने क्या निकालना है, जैसे हमने टू बाई टू मैट्रिक्स का क्या निकाला था डिटर्मिनेंट, बी टू को सी थ्री से मल्टीप्लाई माइनस बी थ्री को सी टू से, देन इसमें भी ऐसे माइनस बी वन, देन इसको सॉल्व करेंगे ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, देन प्लस सी वन, फिर इसका करेंगे ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। ओके नेक्स्ट करते हैं इसी के अंदर माइनर क्या होता है, ठीक है। अब माइनर स्केयर मैट्रिक्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं और या फिर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। माइनर को हम डिनोट किसे करते हैं, माइन एम आई जे, आई मीन्स रो जे मतलब कॉलम, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, कैसे निकालेंगे, जैसे लाइक हमें एम वन वन निकालना है, एम वन वन मतलब फर्स्ट ही रो फर्स्ट ही कॉलम, कौन सा होगा ये फर्स्ट वाला ए का निकालना है इसमें, है ना। तो क्या करना है आपने, इसके सामने वाली रो काट दो सामने वाला कॉलम भी काट दो, क्या बच गया डी, डी आंसर है आपका, ठीक है। टू बाई टू मैट्रिक्स में तो सीधा करना है आपने, जो आपको दे रखा है एम वन वन या वन टू जो भी, उसके सामने वाला रो काट दो डिलीट कर दो, उसके सामने वाला कॉलम भी डिलीट कर दो, जन जो लेफ्ट बच गया वो आंसर। ओके अब देखते हैं आइए थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, ये दे रखिए आपको, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, एम वन वन फाइंड आउट करना है, तो एम वन वन क्या है ए, अब इसके सामने वाली कॉलम भी डिलीट कर दो और रो भी डिलीट कर दो, क्या बचा ये सारा बच गया, इसका क्या निकालना है हमने डिटर्मिनेंट, बस ई को आई से मल्टीप्लाई किया एच को एफ से किया, बस ये निकल गया। टू बाय टू में तो एक ही डिजिट बचेगी वो राइट कर ली, बट थ्री बाय थ्री में तो हमारा पूरे चार डिजिट बचेगी डिजिट, तो इसीलिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको डिटर्मिनेंट निकाल के। ओके नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है तो माइनर का यूज करते हैं हमेशा, और को मैट्रिक्स कोफैक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं ए आई जे से, ठीक है। लाइक हमने ए वन निकालना है ए वन वन, तो कैसे निकालेंगे आपने फर्स्ट क्या करना है, ये फॉर्मूला देखो आपका सेम है, आपको आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है।
माइनस वन की पावर आई प्लस जे, जो भी आई होगा और जे होगा उसको प्लस कर दो, देन जो एम आई जे होगा मतलब जो आपका माइनस निकला होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते एग्जांपल से, आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी डी, हमने एम वन वन निकाल लिया ए का, सामने वाला कॉलम डिलीट कर दिया और रो भी, ठीक है, क्या लेफ्ट रहा डी, इट मीन्स माइनर तो आ गया हमारा डी। अब इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनस वन की पावर आई प्लस जे, आई क्या है वन, जे भी वन, वन प्लस वन क्या आ गया टू, और माइनस है, माइनर हमारा क्या है डी, माइनस वन की पावर टू मल्टीप्लाई डी। अब माइनस वन के स्केयर मीन्स वन, वन इंटू डी क्या आएगा डी, ठीक है। ऐसे हमें माइनर या को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई होप आपने जो भी कंसेप्ट किए डिटर्मिनेंट के आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इसका पार्ट क्या कहता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। फर्स्ट है हमारी मैट्रिक्स 2 - 4 - 3 - 1, 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, तो काफ़ी इजी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन आएगा हमेशा बीच में, है ना। देन माइनस फोर तो है ही, अगर किसी के साइन दे रखा है उसके साथ पहले से, वो भी लिखना ही है, बट माइनस लगाना तो हमें लगाना ही है साथ में। माइनस फोर मल्टीप्लाई 3, 2 बन रहा 2, माइनस एज इट इज, माइनस फोर मल्टीप्लाई 3, माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, 2 + 12 = 14, क्या है इसका आंसर 14। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड सब में भी डिटर्मिनेंट ही निकालना है, वही हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1/2 को किसे मल्टीप्लाई किया, 1/5 से, देन 1/4 को 1/3 से, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा हमारा, माइनस का, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/5, 1/10, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, 1/12। अब इसका एलसीएम लेके हम फाइंड आउट कर लेंगे और काट लेंगे, जा तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे, फर्स्ट सम का इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, देन एक्स प्लस वन, देन एक्स प्लस वन, इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले राइट डाउन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन ब्रैकेट क्लोज, देन नेक्स्ट एक्स प्लस वन, ठीक है, सेंटर में साइन आ गया हमारा माइनस का, देन अगेन इसकी मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें 2 दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, पहले इस एक्स को इस सारे से कर लो मल्टीप्लाई, राइट, ठीक है। देखो एक्स राइट किया, देन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर इस प्लस वन को इस सारे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स थ्री, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, ऐसे इसको भी करेंगे 1 से करेंगे तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, आपने पहले स्टडी किया होगा, एक हमारे पास इक्वेशन सी होती है ए प्लस बी का स्क्वायर वाली, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर वो आपको नहीं पता तो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमारे ये कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब फिलहाल हमारे करना है हमें ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, कैसे होता देखते हैं। अगर आपका जो भी इक्वेशन आ रही है इस फॉर्म में आ रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने क्या लिखना है वहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जैसे हमें ये दिख रही है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, अब इसे आगे हमने खोल लेना, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट हो गया, देन यहाँ देखते हैं माइनस को ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस वन, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया, एक्स की थ्री, एक्स की पावर थ्री, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन,
अब इसमें देखते हैं कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। एक्स थ्री एज इट इज माइनस एक्स स्क्वेयर वन प्लस वन टू, ये हमारा आंसर है। एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स की पावर टू प्लस टू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। इफ फोर एक्स माइनस थ्री फाइव, आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रखा है, इज इक्वल टू एट। अगर आपको जो इसका फाइंड आउट जो निकलेगा एट होगा, तो आप एक्स फाइंड आउट करो। एक्स क्या है आपका, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फोर मल्टीप्लाई फाइव माइनस तो आता ही है, देन माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एट तो दे ही रखा है, एज इट इज लिख देंगे, है ना। फोर मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी, माइनस माइनस प्लस, थ्री मल्टीप्लाई एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू एट। अब हमें इसे सॉल्व करना है नॉर्मली, थ्री एक्स एज इट इज लिख लिया, ट्वेंटी या प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया, एट माइनस ट्वेंटी क्या आएगा माइनस ट्वेल्व, थ्री या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, आंसर क्या आया हमारा माइनस फोर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमें दे ही रखा था एट है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक्स की वैल्यू, वो हमने कर ली। ओके नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड सम का सेकेंड पार्ट। ओके ये भी ऐसी चीज वैसा ही है, बस स्टेटमेंट चेंज कर दी। एक्स माइनस टू माइनस थ्री, थ्री एक्स टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई टू एक्स, थ्री थ्री एक्स मल्टीप्लाई माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स से, टू एक्स स्क्वेयर, देन माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स से, फोर एक्स, ठीक है। ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वेयर, अब फोर एक्स है, ये नाइन एक्स है, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। नाइन एक्स में से फोर एक्स माइनस करें तो क्या आएगा, फाइव एक्स। बड़ी स्टेटमेंट क्या कौन सी है, नाइन, तो वहाँ प्लस है तो फाइव क्या भी क्या आएगा, प्लस, है ना। ये तो हमने किया हुआ काफ़ी, प्लस माइनस ये तो हमें करना आता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब थ्री या प्लस का है, यहाँ के किसका हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू जीरो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होती है, ये बोली ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस थ्री, देखो वही इक्वेशन बन गई, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब कैसे हमें इसको सॉल्व करना होता है, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, पहले इस पर स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, ऐसी है। तो हमने क्या करना होता है, जो इसको ए को सी को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, सिक्स, और जो आपका बी है वो राइट कर लो साइड में, फाइव। हमें करना क्या, हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, इस तरह से करना है, कोई दो फैक्टर फाइंड आउट, जिन दो को मल्टीप्लाई करने से तो आए सिक्स, ठीक है, सिक्स एक्स स्क्वेयर, और प्लस माइनस कुछ भी करें तो क्या आए, फाइव एक्स आए, ठीक है। तो देखो सिक्स और वन को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, सिक्स, और सिक्स में से अगर वन माइनस कर दे तो क्या आता है, फाइव। बन गए हमारे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर बने यार हमारे, सिक्स एक्स और वन एक्स, राइट डाउन करते हैं, प्लस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब सिक्स एक्स क्यों प्लस क्या किया और वन एक्स माइनस का क्यों किया, क्योंकि देखो हमें यह प्लस चाहिए फाइव से पहले, इसका मतलब बड़ी स्टेटमेंट के आगे क्या होना चाहिए, प्लस, तभी हमने लिखाया। अब हम कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है, टू है और एक्स भी है, टू बार आ गया एक्स बार आ गया, क्या राइट रह गया, एक्स प्लस एज इट इज, एक्स बार आ गया, टू भी बार आ गया, क्या रह गया, थ्री। ऐसे इसका भी निकालेंगे, माइनस वन कॉमन लिया, माइनस वन बार तो क्या रह गया, एक्स, माइनस वन बार माइनस भी बार तो इसका मतलब क्या रह गया अंदर, थ्री, ठीक है। यहाँ तक आ गया, आगे करते हैं, क्या रह गया, बन गया हमारा एक्स प्लस थ्री, ले पिछले वाला राइट करते हैं, टू एक्स एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
एक्स प्लस सी एक बन गया हमारा फैक्टर, टू एक्स माइनस वन एक बन गया। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे, हमेशा जीरो के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्या हमारे आई नंबर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, क्योंकि प्लस वहां जाके माइनस का हो गया। ऐसे ही टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का, एंड टू यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड। तो एक्स के हमारे दो आगे फैक्टर, एक माइनस थ्री एक वन बाय टू। ओके नेक्स्ट करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। इफ टू फोर फाइव वन इज इक्वल टू टू एक्स फोर सिक्स एक्स, ठीक है। ये हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक्स दोनों इक्वल दे रखे हैं, इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, टू मल्टीप्लाई वन माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव, देन टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स सिक्स मल्टीप्लाई फोर, ये फाइंड आउट हम कर लेंगे। टू माइनस ट्वेंटी, टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फोर, यहाँ तक हमें समझ आ गया। आगे हमें सॉल्व ही करना है, टू में से ट्वेंटी गए माइनस एटीन, टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एज इट इज, ठीक है। अब ये ट्वेंटी फोर यहाँ प्लस माइनस का है, यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी फोर माइनस एटीन क्या बन गया हमारा सिक्स, टू एक्स फिर एज इट इज। अब टू ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में सिक्स बाय टू थ्री। अब क्या हमारा रह गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, यही रह गया। अब स्केयर को उठा के क्या लगाते हैं हम, रूट, तो थ्री क्या बन गया यहाँ पे, रूट अंडर रूट प्लस माइनस थ्री, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके तो हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट के हमारे थ्री थे, उसके अंदर सेकंड भी कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के जो हमारे सम्स है वो आगे वाली वीडियोस में करेंगे, एंड चैप्टर वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो नोटिफिकेशन। ओके थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।